मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद और भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्भट विद्वान आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आप सबके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय सुधांशु जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। मित्रों, लोकसभा का चुनाव जो जो आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों अपेक्षित रूप से सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आपके संज्ञान में यह तथ्य निश्चित रूप से आया होगा कि छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत ने हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बार पुनः वैसे ही घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है जो निरंतर कांग्रेस कहती चली आ रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो कम होने का एहसास है, उसके कारण से ऐसे बयान निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दुखद संकेत है। बताइए, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी के से मुकाबला करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सर फोड़ सके। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है, तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? और इतना ही नहीं है, ये कोई सहज रूप में उनके मुंह से निकला हुआ कोई फिसला हुआ शब्द नहीं है, उसके बाद के कई वाक्यों में निरंतर उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की गई है। और यह आज से नहीं चल रहा है। माननीय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 के चुनाव में आज के कांग्रेस के सहारनपुर के प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा था कि मोदी जी की बोटी बोटी कर डालूंगा, वहां से लेके सर फोड़ने तक। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि किसने निम्न स्तर तक आप जाने के लिए तैयार हैं? कोई बात नहीं, जनता मोदी जी को समर्थन और प्रेम देकर उतने ही उच्च स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री जी देश के सभी वर्गों के लिए जिस प्रकार से उनको किस ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं और ये किस नीचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं, इसका भी एक अन्य उदाहरण है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लो to disrespect and demean the dignity of women in the Indian politics by the Congress party. एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली है ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की
एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है, महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। दिस इज नॉट जस्ट अ मियर एंड आइसोलेटेड स्टेटमेंट बाय अ कांग्रेस लीडर बट ए स्ट्रक्चर्ड एंड वेल थॉट ऑफ डास्टर्डली माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी रिगार्डिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। मात्र कुछ दिन पहले की तो बात है जब कांग्रेस के सोशल मीडिया की जो चीफ हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यानी कांग्रेस के औपचारिक ट्विटर हैंडल से किस प्रकार का अभद्र शब्द, और जिसने मंडी की पवित्र भूमि के बारे में इस ढंग का भाव लिखा वो आया। और मजे की बात है, आज तक कोई कांग्रेस उसे खोज नहीं पाया। तमाम चीजें खोज खोज के भाषण दे दे रहे हैं, आज तक नहीं पता लगा पाए कि उनके यहां से ट्वीट किसने किया था। आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हेमा मालिनी जी आयु में श्रीमती सोनिया गांधी जी की आयु वर्ग के समकक्ष है। क्या अपने से इतनी बड़ी महिला के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है? हेमा मालिनी जी स्वतंत्र भारत के बाद के समय में जो सेल्फ मेड महिलाएं हैं, यानी आत्मनिर्भरता के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा स्थापित होकर राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने वाली महिलाओं की जो एक शक्ति है वो उसकी प्रतीक है। वो किसी अनुकंपा से बनी हुई, प्राप्त की हुई क्षमता की प्रतीक नहीं, अपनी क्षमता से महिला क्या स्थान बना सकती उसके प्रतीक है। और हमारी पार्टी में निरंतर उसी महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। परंतु कांग्रेस पार्टी के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, कितनी बातें कही जाएं। राहुल गांधी जी ने, आपको यदि याद हो, 10 अक्टूबर 2017 को कहा था कि आरएसएस की शाखाओं में छोटे छोटे कपड़े पहन के महिलाओं को कभी देखा है क्या? ये छोटे कपड़े शब्द का क्या तात्पर्य था? राहुल गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध बयान है, आप याद करिए, कि लोग मंदिर जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र स्थान को के साथ महिलाओं के अपमान की बात को जोड़ने का प्रयास करना। अभी हाल ही में आपने संदेश खाली के बारे में तो देख ही चुके हैं, यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी का वो बड़ा प्रसिद्ध और कुख्यात बयान आपको ध्यान होगा, जो वो अपनी ही पार्टी की एक महिला पदाधिकारी के बारे में उन्होंने कैसा आपत्तिजनक बयान किया था। अभी पिछले वर्ष की तो बात है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान में शांति धारीवाल जी, जो ये कहते हैं, जब ये बात आई कि एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक रेप होते हैं, तो कहते हैं कि इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। ये घृणित मानसिकता है महिलाओं के बारे में। याद करिए, शशि थरूर जी ने 19 नवंबर 2017 को जब मिस वर्ल्ड का खिताब मानुषी छिल्लर को मिला था तो ये मजाक उड़ाया था कि चलिए इस समय हमारे छिल्लर को भी मिस वर्ल्ड का खिताब मिलने लगा, ये अपनी क्षमता योग्यता से वैश्विक स्तर पर स्थान बनाई हुई एक युवा महिला के बारे में उनकी टिप्पणी थी। श्री प्रकाश जायसवाल जी का वो बयान, बहुत पुराना बयान, जो उन्होंने महिलाओं के बारे में और नई शादी और पुरानी शादी के बारे में बोला था, ये दर्शाता है कि सोच क्या है महिलाओं के बारे में। सिद्धारमैया जी, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, हम सबको वो घटना याद है जिसमें कि उन्होंने एक महिला की चुन्नी खींचते हुए वो दृश्य दिखाई पड़ा था। आप सबको याद होगा 15 अप्रैल 2018 को जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था इंडिया गेट पे कठुआ की घटना को लेकर, तब कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी को लिखित शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। ये कांग्रेस की मानसिकता, इसीलिए मैंने कहा यह व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता है महिलाओं के प्रति, अभद्रता इनके मन मस्तिष्क में भरी हुई है। याद करिए रेणुका चौधरी जी का बयान, उन्होंने कहा था रेप तो होते रहते हैं। मतलब इतनी बड़ी घटना जो किसी महिला के लिए पूरे जीवन का सबसे बड़ा आघात हो, उसके बारे में इस प्रकार का प्रमाण बोलना। 25 जून 2018 को छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई की एक कार्यकर्ता ने एनएसयूआई के तत्कालीन अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि वो उन्होंने उनके साथ अभद्रता और यौन शोषण करने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी की मौजूदगी में 13 अप्रैल 2018 को एक महिला पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ, एक बड़े चैनल की महिला पत्रकार के साथ, वो सब आपको पता होगा।
और इतना ही नहीं, अभी कुछ पिछले ही साल की तो बात है, याद करिए इंडिया गेट के एक प्रदर्शन में प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में प्रियंका गांधी जी के साथ भी अभद्रता की खबरें आई थीं। तो आप सोच लीजिए कि इन लोगों की मानसिकता किस प्रकार की रहती है। और यह सोच, मैंने कहा कुत्सित तो है और व्यवस्थित भी है। व्यवस्थित सोच क्या है, मैं कोट करना चाहता हूं कि कर्नाटक के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष बी सत्यनारायण जी ने कहा था जब दिल्ली रेप की घटना हुई थी कि भारत को आजादी मिली है तो क्या महिलाओं को रात में घूमने की आजादी मिली है। दिस वॉज हिज माइंडसेट। अभी कर्नाटक के कांग्रेस के बहुत सीनियर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एमएलए बी शंकरप्पा, शिव शंकरप्पा ने कहा है कि महिलाओं को कोई दूसरा काम नहीं आता, उन्हें सिर्फ खाना बनाना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरे काम में रुचि नहीं लेनी चाहिए। अब आप समझिए 27 दिसंबर 2012 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बोत्सा सत्यनारायण जी ने कहा था कि अगर रेप से बचना है तो महिलाओं को घर में रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा दिस इज ए स्ट्रक्चर्ड, ये जो बयान है सुरजेवाला जी का, ये सीरीज है, ये धारावाहिक है, ये कोई अचानक अकेला नहीं है। फिर आपको याद हो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि 90% जो बलात्कार के मामले होते हैं वो तो आम सहमति से होते हैं। चलो वो तो प्रवक्ता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी ने आंकड़ा देते हुए कहा कि 57% केस फर्जी होते हैं बलात्कार के, ये बतौर मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूं। सोचिए इनकी, और वहीं पे उनका वरिष्ठ मंत्री कह रहा है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए ज्यादा होता है। दिस शोज द माइंडसेट। और मैं कह सकता हूं नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ और उस हैवान को सेकुलर संरक्षण देने तक जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है वो महिलाओं और स्त्री शक्ति के प्रति उनके मन में क्या भरा है ये उसका प्रमाण है। सामने क्या दिखाना चाहते हैं वो बरबस, मैंने आपको एक नहीं डेढ़ दर्जन उदाहरण गिना दिए हैं जिसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं हम किसको मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हम आदिशक्ति स्त्री का प्रतीक मानते हैं महिला को। वैसे तो एक दूसरे नजरिए से मैं कह दूं इनको तो कहीं पर महिला शक्ति का उद्धरण आ जाए तो वो भी गले के नीचे नहीं उतरता है, फट से अगर कोई राजनीतिक हित दिखे तो किनारे कर लेते हैं। वंदे मातरम का जो पूरा गान था, जो पोर्शन कांग्रेस ने हटा दिया था, जो उनके यहां नहीं गाया जाता हमारे विचार परिवार में गाया जाता, उसमें क्या लाइन है, अबला केनो मा तो बोले बहुदल धारणी रिपुदल वारणी भुजये तुमी मा शक्ति शरीरे बहुते शक्ति भुजये हृदय तुमी मा भक्ति। हम तो भुजा में शक्ति रिपुदल वारणी उस रूप में स्वीकार करते हैं, आपको स्वीकार नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस विषय के ऊपर देश की जनता इसे देखे और निश्चित रूप से जो अपमान और अवमानना की गई है, निरंतर की गई है, व्यवस्थित रूप से की गई है, उसका संगठित रूप से जवाब इन चुनावों में देश की जनता देगी, ये मेरा अनुरोध है। अब श्री प्रेम शुक्ला जी अपना विषय रखेंगे। मित्रों, बीते सप्ताह आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय विदेश मंत्री जी ने कच्छ तीयू के संदर्भ में बयान दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वृथा प्रलाप कर रहे थे। अभी कल ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी अलायंस के नेता श्रीमान वायको ने तमिलनाडु में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कच्छ तीयू के मुद्दे पर कहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु के साथ धोखा किया है, दगा दिया है। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के बारे में अब उनके गठबंधन के साथी ही, जिनको कांग्रेस अपना सगा कहती है, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तमिलनाडु को दगा देने का काम किया है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ तमिलनाडु को नहीं, पूरे देश के साथ जो है धोखा देने का काम और दगा देने का काम किया है। जिस तरह से कच्छ तीयू जैसे एक द्वीप को
कांग्रेस ने सिर्फ एक चट्टान मानने का काम किया और उसे सहजता से श्रीलंका को सौंप दिया, जिसका परिणाम तमिलनाडु के तमाम मछुआरों को आए दिन भुगतना पड़ रहा है। इस संदर्भ में माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बीते दिनों किस तरह से हजारों हजार मछुआरों को श्रीलंका में गिरफ्तार किया गया है और आए दिन तमिलनाडु की सरकार केंद्र सरकार से आग्रह करती रही है कि श्रीलंका सरकार की इन कार्रवाइयों को रोका जाए। डीएमके ने और कांग्रेस ने मिलकर तमिलनाडु को धोखा देने का काम किया था, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय विदेश मंत्री जी ने तो कहा ही। अब जब उनके इंडी अलायंस के साथी भी यह कह रहे हैं कि तमिलनाडु को धोखा देने का काम कच्छ तीव के मुद्दे पर हुआ है, तो अब कांग्रेस और उनके नेताओं को और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्रीमान एमके स्टालिन को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए कि कच्छ तीव के मुद्दे पर उन्होंने तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा क्यों किया, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि इस धोखे का कारण क्या है, और जब आपके साथी ही आपसे पूछ रहे हैं तो अब तो आपको जवाब देना जरूरी है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वायको ने कहा कि तमिलनाडु को कच्छ तीव के मुद्दे पर कांग्रेस ने धोखा दिया और कांग्रेस तमिलनाडु को बारंबार धोखा देती रही है। हिंदी में? अच्छा, पहले इंग्लिश में बोल देते हैं। वॉट एवर मिस्टर गौरव बल्लभ हैज सेड दैट द पार्टी मींस कांग्रेस पार्टी सीम्स टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स वन रिलीजन, इट इज नॉट हिज स्टेटमेंट। यू रिमेंबर आफ्टर द डिवास्टेटिंग डिफीट ऑफ 2014, दे देमसेल्फ फॉर्मड एन एके एंटोनी कमेटी हेडेड बाय देन सीनियर मोस्ट लीडर एके एंटोनी, एंड ही हैज गिवन द कंक्लूजन दैट द मेजर कॉज ऑफ disastrous defeat of Congress party was that they seemed to be inclined too much towards one religion, precisely in a way what he was trying to say, that Congress perceived to be the party inclined towards the Muslims. That's why the rest of the communities, because I want to say that Mr. A.K. Antony himself was from the minority community. This I am underlining this fact. So whatever Gaurav Ballav is saying, from the senior most leader to younger leader, they are saying the same thing. Another thing, Mr. Gaurav Ballav, to the best of my knowledge, is a professor of finance from Xavier XLRI, one of the reputed institute. आप जो थोड़ा बहुत भी समझदार होगा उसको कांग्रेस की किसी चीज में समझ आएगी, आप स्वयं समझ सकते हैं। ये राहुल गांधी जी जो पूरे देश को समझा रहे थे, मतलब अपनी पार्टी को जो समझा ना पाया, देश को वही समझाता हूं, ये उनके लिए बहुत सटीक और उचित बैठता है। और ये एक सहज स्वाभाविक बात है, एक के बाद एक कांग्रेस से जिस ढंग से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने बड़े युवा नेता को एक लिया था और उस युवा नेता से कांग्रेस में पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी और उसने कहा था कांग्रेस डूबता जहाज है, मैं उसको बचाने के लिए आया हूं। अब पता नहीं आने के बाद बच रहा है कि डूब रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। First thing, whatever the word, precisely the Hindi word which has been used, there cannot be any if and but about it. That is a very derogatory word, particularly when you use in the context of a woman. And I have already cited out, it's not the question of just one statement of Randeep Surjewala. It's a series of around more than a dozen statements or one and a half dozen statements I have quoted, over spanning over the period of one decade,
that the Congress have used this. And whenever they have used this, they have categorically spoken to the principals. अभी तो उनके साथी दलों के तो बोले ही नहीं है कि लड़कों से गलती हो जाया करती है. आजम खान खड़े होके बोले थे, चेयर पे बैठी हुई, मतलब स्पीकर की चेयर पे बैठी हुई महिला से अभद्रता की थी उन्होंने, याद हो आपको. रमा देवी जी बैठी हुई थी और कह रहे हैं आपसे तो मैं चेहरा नहीं हटा सकता. एंड 3 दिन तक माफी नहीं मांगी थी. एंड ऑल वर सिटिंग विद देम. इसलिए अगेन आई वॉन्ट टू रीएम्फसाइज, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन स्टेटमेंट for which they can take an alibi of that it was prefixed to this and suffixed to this. There is a structured, dastardly mindset demeaning the respect and dignity of women which has been there in their inherent tendency. वैसे हम तो ये कहना चाहेंगे, आपको याद हो गौरव बल्लभ जी का एक बड़ा डायलॉग फेमस हुआ था ना, जीरो वाला, हमारे एक प्रवक्ता के साथ. अब वो जीरो क्या है उनको समझ में अब आया है. राहुल गांधी की संगत में जो रहेगा वो जीरो क्या है वो जो थोड़ा भी समझदार होगा बहुत जल्दी समझ जाएगा. तो मुझे लगता है कि शायद उनको अब जीरो का अनुभव पूरी तरीके से हो गया हो. देखिए वो जो भी है वो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हुआ है, परंतु इतना जरूर है कि वो बीमार थे और बाहर निकल के दहाड़ रहे थे. और हमारे केजरीवाल जी बाहर बहुत स्वस्थ थे और अंदर जाकर वो हो गए. मुझे लगता है कोई बात नहीं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है. अगर वो रिहा होकर आए हैं, जो कोर्ट ने सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस लगाया है उस रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत वो जो भी बोल रहे हैं, चुनाव का समय है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और जनता इस विषय के ऊपर गुण दोष के आधार के ऊपर विवेक के साथ निर्णय लेगी. वैसे संजय सिंह जी जिस जोशो जुनून के साथ बोल रहे थे, उनका एक दूसरा वीडियो भी तो अवेलेबल है, पुराना वाला, उसी जोशो जुनून के साथ, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक परिवार की पार्टी, एनसीपी एक परिवार की पार्टी, डीएमके एक परिवार की पार्टी, से क्या हुआ? कोई बात नहीं, वक्त के साथ बदले बदले सरकार नजर आते हैं, मगर सरकार बनाने वाले लोग बहुत समझदार नजर आते हैं. देखिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ स्थिति यह है कि अभी क्या गौरव बल्लभ जी पे बोला जाए, क्या अन्य चीजों बोला जाए, अभी पता नहीं, अभी तो बहुत समय बाकी है चुनाव में. परंतु जो मुद्दे उठे हैं ये कांग्रेस की जो राजनीतिक सोच है आर्थिक विषयों को लेकर, उस विषय के संदर्भ में उनके यहां आर्थिक विषयों के जानकार क्या सोचते हैं और राहुल गांधी बाहर आकर क्या बोलते हैं, उसका जो विरोधाभास है वो इस बात से जरूर स्पष्ट होता है. यानी राहुल गांधी की आर्थिक सोच जो वो बहुत उग्रता और आक्रामकता के साथ आकर बोलते हैं, मुझे लगता है कि उसकी वो पंचर होती हुई दिखाई पड़ती है इस प्रकार की बात से. जी नहीं, भारतीय मछुआरों की समस्याओं का समाधान तो हम निश्चित तौर पर चाहते हैं. और ये समस्या जो है वो किस कारण हुई है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताया है, विदेश मंत्री जी ने बताया है, और बारंबार जो है तमिलनाडु की सरकार केंद्र सरकार को पत्राचार में भी ये इंगित करती रही है. नहीं भाई, करो भारतीय, देखिये उस द्वीप को, कच्छद्वीप को आपने जब श्रीलंका को सौंप दिया, उसके कारण ही तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बारंबार वो गिरफ्तार हो रहे हैं.
तो उस समस्या का समाधान हमारी इच्छा है। मतलब ये सुविधा की राजनीति के लिए कांग्रेस द्वारा भारत के राष्ट्रीय हितों का समर्पण अक्षय चिन्ह से लेकर कच्चा थेबू तक। देखिए, मुझे लगता है कि वी आर डिस्कसिंग टू मच ऑन कांग्रेस पार्टी, और अभी तो उसके अंदर क्या क्या निकलेगा तो एक ही लाइन में समराइज कर देता हूं। जो कांग्रेस का अभी इलेक्शन में जस्ट पास्ट है, प्रेजेंट है, और जो इमीडिएट फ्यूचर होने वाला है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात लिखनी तो हर एक बात पे रोना आया, तो किस किस बात का कहां कहां तक जवाब दिया जाए, ये उनका अंदरूनी मामला है। अंदरूनी पीड़ा रह रहे के उभर के सामने आ रही है उनके कार्यकर्ताओं की, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं वो वाक्य रिपीट करना चाहता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर बोला था कि तुम्हें तो इसका यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है।